क्या आप लोगों को पता है जब आप फेसबुक पे कोई चीज सर्च करते हो या फिर कोई पेज को लाइक करते हो या फिर कोई एक्टर के पेज को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करते हो या फिर कोई प्रोडक्ट कंपनी को जाकर लाइक करते हो और जो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो फेसबुक है वो लीक करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, कॉन्टेंट क्रिएटर हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो और आप इन सारे लूप होल्स का फायदा उठाना चाहते हो अपनी आर्ट को मार्केट करने में, तो ये वीडियो बड़ी ध्यान से देखना। इसमें आप लोगों को ये भी बताऊंगा जो फेसबुक है वो अपना डेटा कैसे सेल करता है और आप लोग उसको कैसे बाय कर सकते हो। और इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ जो इनकी नई कंपनी है मेटा, उसमें ऐसी क्या बात है कि आप लोगों को उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और आप लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहिए कि जो आगे जाकर फ्यूचर आने वाला है मेटा का, उसमें आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर सके और इंडिया के सुपर स्टार्स बन सके। अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो बड़ी ध्यान से देखना। सो पहले हम लोग चलते हैं जो फेसबुक कंपनी है जिसके नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑकुलस, बेलगुआ जैसी कंपनी आती थी, उन्होंने अपना नाम चेंज करके मेटा क्यों कर दिया। सो भाई लोग बात ऐसी है, जो फेसबुक है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लॉ सूट फाइल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है ना वो अपना डेटा जो है वो आगे लोगों को सेल करते हैं और जो उनका प्राइवेसी है लोगों का उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ब्रीच हो रहा है कहीं ना कहीं पे। इसीलिए लोगों ने इतने सारे लॉ सूट फाइल किए और उनके ऊपर $2-3 million का जुर्माना भी लगा जो उनको भरना पड़ा। अब आप लोगों ने 2017-18 में देखा भी होगा जो मार्क जुकरबर्ग है वो पूरी कांग्रेस के सामने बैठे हैं और वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो उनका डेटा है, जो फेसबुक के पास इतना कलेक्शन ऑफ डेटा है, क्या वो किसी लोगों को सेल तो नहीं कर रहे, क्या वो किसी लोगों को दे रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस ने बिठाकर पूछी थी। इन सारे ब्लेम्स और इन सारी चीजों से बचने के लिए आई थिंक फेसबुक जो पेरेंट कंपनी थी उन्होंने अपना नाम फेसबुक पेरेंट कंपनी छोड़ के मेटा को अपनी पेरेंट कंपनी बना दिया। अब जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक है, ये जो सारी चीजें हैं ये मेटा कंपनी के अंडर आएंगी। अब ये मेटा, मेटा मैं कर रहा हूं, अब ये मेटा है क्या चीज? अब ये जो मेटा कंपनी है ना, ये 5 बड़ी कंपनीज को मिलाकर एक कंपनी बनेगी जो ऑलमोस्ट 10,000 इंजीनियर्स को जॉब देगी और ऑलमोस्ट 10 billion इन्वेस्टमेंट लगाएगी जो लोग काम करेंगे एक VR टेक्नोलॉजी और एक AR टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ये क्या चीज है VR और AR? अब आप लोगों ने देखा होगा जब आप मॉल्स के अंदर जाते हो तो आप लोगों के पास ना एक शेड्स आती होंगी, वो आप लोग पहनते हो और जो आपकी सीट है वो ऐसे से हिलती है और आप लोग एकदम वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं VR टेक्नोलॉजी। अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा एक बंदा आता है वो एक प्रोजेक्टर ऑन करता है और देखता है एक होलोग्राफिक बंदा जो है वो बिल्कुल सामने आ गया और आप लोग उनके साथ बात कर रहे हो, आप लोग उनके साथ गेम खेल रहे हो, वो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। इन दोनों टेक्नोलॉजीज का मिक्स करके फेसबुक जो है वो मेटावर्स लाने वाली है। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और इसके अंदर जो 5 की कंपनीज है वो कौन कौन सी होने वाली है। पहली है व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा है, उनके यूजर ऑलमोस्ट 3 billion यूजर हैं व्हाट्सएप के ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो सेकंड कंपनी है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बिना तो आजकल किसी की भी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है और जहां पर हमारी सबसे ज्यादा फोटोज वीडियोज है वो कहां पर है, इंस्टाग्राम, और जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर उन्हीं को ही हम लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बिना इंस्टाग्राम कंपनी के इनकी तो बात भी चलने नहीं वाली। और जो थर्ड कंपनी है वो है ऑकुलस। ऑकुलस किस चीज में काम आती है, वो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के सारे प्रोजेक्ट्स बनाएगी इस मेटा कंपनी के लिए। और जो फोर्थ कंपनी है वो है अनोवो। अनोवो क्या करेगी, वो सारी चीजों की कैलकुलेशन करेगी, कितने लोग उस वेबसाइट के ऊपर आए और उनके क्या क्या इंटरेस्ट है और उन लोगों ने क्या क्या किया उस वेबसाइट के ऊपर, ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये जो फोर्थ कंपनी है अनोवो, इसको ऑन बोर्ड लाया गया है मेटा के अंदर। अब जो फिफ्थ कंपनी है उसका नाम है बेलगुआ। बेलगुआ का क्या काम होगा, वो भी ऑलमोस्ट व्हाट्सएप की तरह ही एक कंपनी है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिजनेसेस जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने मैसेजेस को सेंड करने में इस ऐप का यूज करती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनको मेटा में इंटरेस्ट है, इसीलिए इन लोगों ने जो बेलगुआ करके कंपनी है उसका सहारा लिया है इस पूरे मेटावर्स को बनाने में। और अब ये मेटावर्स करेगा क्या, और जो हमारे जैसे कॉन्टेंट क्रिएटर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, सिंगर सॉन्ग राइटर है या इन्फ्लुएंसर है, इन लोगों को क्या फायदा होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा जब लॉकडाउन था तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे थे।
थे। आई थिंक वहीं से और उससे पहले भी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को बहुत बढ़ावा दिया गया है ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक मार्क जुकरबर्ग जो हमारे भाई हैं, उन्होंने ये पूरी चीज को काफी ज्यादा सीरियस ले लिया और इन्होंने बोला कि यार ये सारी चीजों को मिलाओ और फेसबुक के अंदर इंक्लूड करो और एक मेटा का यूनिवर्स बना दो। पर इसमें आप लोगों को क्या फायदा होगा? इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है वो पूरा का पूरा एक वर्चुअल कॉन्सर्ट होस्ट कर सकते हो अपने फैंस के लिए। मतलब आप लोगों को किसी लेबल के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना जो पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है वो बना सकते हो और लोगों को इन्वाइट कर सकते हो उसके अंदर, और आप लोग उनसे पैसा ले सकते हो और अपना म्यूजिक उनको सुना सकते हो। और इसमें ये भी फायदा होगा कि अगर आप लोग किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक वर्चुअल स्टूडियो बना सकते हो और उसके अंदर उसको भी इनवाइट कर सकते हो और आप लोग दोनों बैठकर म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। तो भाई ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बात होगी। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये मेटावर्स स्टार्ट कब से होगा, हम लोग कब से इसका फायदा उठाना स्टार्ट कर सकते हो? तो आई थिंक यहां से 1.5 टू 2 इयर्स के अंदर अंदर ये जो सारे मेटावर्स के फीचर है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों को एक्सेसिबल हो जाएंगे और आप लोग ये सारी चीजों का फायदा उठाना स्टार्ट कर सकते हो। अब हम लोगों ने बात कर ली पॉजिटिव साइड में, अब थोड़ा नेगेटिव साइड में भी आ जाते हैं। ये जो फेसबुक कंपनी है ना, ये बहुत सारा जो डेटा है हम लोगों का, जो प्राइवेट डेटा है, वो बहुत सारी कंपनीज को सेल करती हैं और वो जो कंपनीज है वो डेटा बाय करके हम लोगों को पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आप लोग फेसबुक पे कुछ सर्च करते हो या फिर आप अपने दोस्त को मैसेज कर रहे होते हो कि यार मेरे को PS5 लेना, और सडनली आप देखते हो जैसे ही आप फेसबुक खोलते हो या इंस्टाग्राम खोलते हो और वो PS5 की एड्स आपके सामने आना स्टार्ट हो जाती है। ये कैसे हो रहा है? जैसे ही आप लोगों ने मैसेज किया अपने दोस्त को कि यार मुझे PS5 चाहिए, उसी टाइम फेसबुक ने जो आपका डेटा है वो उस कंपनी को भेजा और ये जो कंपनी है उसने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप लोगों को एड दिखाना स्टार्ट कर दिया। और इसके कारण क्या होता है, जो फेसबुक है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है आप लोगों से इन एड्स के थ्रू। अब आप लोगों को पता है ये जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब है, इन सब में फाइट है। ये लोग ये चाहते हैं कि भाई जो यूजर है ना वो उनकी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम रहे। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये लोग आपके ऊपर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजिकल इफेक्ट बनाते हैं। आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे कि आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा देर रहो और ये लोग आपको एड्स दिखाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। अब आप बोलोगे सर अच्छी अच्छी चीजें तो दिखा रहे हैं। नहीं भाई, ये कहने की बात है। अब आप लोगों ने देखा है जैसे ही आप लोग ऑनलाइन जाते हो तो आपके सामने अच्छी चीजों के साथ साथ बहुत ज्यादा हेटेड कॉन्टेंट भी आ रहा होता है। अब वो हेटेड कॉमेंट मैं इंडिया में बैठ के नहीं बोल सकता भाई जी, बहुत तगड़ा प्राइम मिनिस्टर है हमारा। अब ये जो हेटेड कॉन्टेंट है ये आपको साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकली पागल करता है और इन सारी चीजों का इफेक्ट जो है वो आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर पड़ता है। वो लोग पैसा कमाने के चक्रों में हम लोगों को ऐसा ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ है उस पे इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एक विसल ब्लोअर करके एक लड़की है जिसका नाम है फ्रांसिस होगन। आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा उन्होंने फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाई हैं कि वो लोग आपका डेटा जो है वो ऐसे लोगों को सेल करते हैं जो लोग आपको नेगेटिव चीजें दिखाते हैं और उसका इफेक्ट लोगों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशियोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगी हुई हैं जो लोगों के ऊपर इन सारी चीजों का इफेक्ट हुआ है। और आप लोगों ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में भी सुना होगा कि कैसे उन लोगों ने वो पूरा का पूरा जो फेसबुक का डेटा है उनको यूज करके US प्रेसिडेंट के इलेक्शनों में लोगों का माइंड ही चेंज कर दिया। ये सेम चीजें क्या पता बहुत सारी कंट्रीज में फेसबुक के द्वारा की जा रही है। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जो हमारी फ्रांसिस होगन थी, जो फेसबुक प्रोडक्ट मैनेजर थी फेसबुक के अंदर, उन्होंने अपनी वॉइस रेस करी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन 2, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन Instagram 2 कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।